हेलो फ्रेंड्स, वैसे तो हम शहर में बहुत सारे प्लांट्स को वर्शिप करते हैं, पर कुछ एक इम्पॉर्टेंट प्लांट जो कि हम वाइल्ड हैबिटेट से कलेक्ट करते हैं और जिनके बारे में लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है या फिर हमारी आने वाली जनरेशन का नॉलेज धीरे धीरे कम होता जा रहा है, उनको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ऑलरेडी मैं आपके साथ दीड़े और फुटकांडा के बारे में अपनी जानकारी शेयर कर चुकी हूँ। तो ये तीसरा प्लांट आप देख सकते हो, ये है, इसको हम स्थानीय भाषा में बोलते हैं कूरी। और इसको कूरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ही स्टिकी प्लांट है। अगर आप ऐसे रखोगे तो यू कैन सी ये चिपक जाता है आपकी बॉडी से, स्किन से। पर फ्रेंड्स, दिस इज़ अ सो वंडरफुल प्लांट। इसको हम गैलियम बोलते हैं बॉटेनिकल भाषा में, गैलियम एपेरिन। और वाइल्ड स्पीशीज़ में इम्यूनिटी बूस्टर प्लांट आते हैं पूरी दुनिया में, इसमें इसको 5th कैटेगरी में रखा है। सो वेरी नाइस प्लांट विच शुड बी इंक्लूडेड इन आवर डे टू डे लाइफ। तो इसके हम पत्तियों को और इसके बीजों को वैसे ट्रेडिशनली लोग यूज़ करते थे। इसके बीजों को लोग द्रीड़े के साथ लड्डू बनाने के लिए या मेवे बनाने के लिए यूज़ करते थे। और ये माना जाता है कि ये क्लिंजिंग करता है पूरी बॉडी की। तो जब लेडीज़ की डिलीवरी हो जाती थी तो उनको इसके मेवे दिए जाते थे ताकि उनकी बॉडी में पूरी क्लिंजिंग हो जाए और वो दूसरी उनकी वाइटलिटी और स्ट्रेंथ वो रिगेन कर सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है और लग्जरियंटली हमारे यहाँ ग्रो करता है। और आप देख सकते हैं कि इस टाइम ये अपनी फ्लावरिंग और फूटिंग में है। फ्रेंड्स, अभी जो आप इसकी वीडियो क्लिपिंग देख रहे हो, ये इसकी यंग स्टेज का है जो मैंने कुछ दिन पहले क्लिक किया था। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसकी मेडिसिनल वैल्यू की बात करें तो ये बहुत ही रिच होता है एंटीऑक्सीडेंट से, इसलिए ये एजिंग को डिले करता है और वूंड हीलिंग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन चेहरे पे फिंसियाँ या मुहांसे अगर जो आते हैं उसमें इसके पत्तियों का रस अगर अप्लाई करें तो वो उसको भी ठीक करता है। इसके अलावा ये एक डायूरेटिक की तरह काम करता है जो कि हमारे यूरिनरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने में और हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में हेल्पफुल है। इसके अलावा इसमें एंटी माइक्रोबियल और एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आसपास उगे हुए इन ऑर्गेनिक मेडिसिनल वंडरफुल प्लांट्स को किसी न किसी रूप में अपनी दिनचर्या में शामिल करें। कूरी को हम एक फूड सप्लीमेंट की भांति ले सकते हैं। इसके लिए इसकी ग्रीन हरी पत्तियों को हम ग्रीन जूस में, चिल्ला में, पकौड़ा में, ऑमलेट में, कचौरी में या फिर किसी भी सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो बीज हैं उनको हम सुखा के एक टॉनिक की भांति ले सकते हैं, या फिर हम इनको ड्राई मिक्सचर जो कि मेवे जिसको हम बोलते हैं या फिर लड्डू जो होते हैं उसमें हम इनको यूज़ कर सकते हैं। हालांकि कूरी की तासीर भी गर्म होती है, इसलिए किसी को भी इसको यूज़ करने से पहले ये जानना बड़ा आवश्यक है कि उसकी बॉडी कितनी अमाउंट में गर्म चीज़ों को टॉलरेट कर सकती है। So friends, that's all about the kuri. I hope this information is useful to you and you will include this plant in your day-to-day life. Thanks for watching.